ज़ारा के अलावा बाकी सारे जो भी ब्रांड्स थे वो सब खुले हुए थे और सबके डिस्काउंटेड प्राइस थे, सबकी चीप प्राइस अवेलेबल थे। और मैंने क्योंकि मैंने क्रिसमस की शॉपिंग कर ली थी, तो फिर एक गिल्ट हुआ कि मैंने वो शॉपिंग क्यों की। कुछ दिन में सब्र कर लेता कि मैं अगर मैं क्रिसमस की सेल पे शॉपिंग नहीं करता तो मैं बहुत कुछ ले लेता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ही लाइक डिस्काउंट था। तो फाइनली मैं जो है वो फ्रेश हो चुका हूँ और मैंने सोचा था कि मैं अभी कुछ दिन ये फ्री हैं तो कंटिन्यूसली जो है वो वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँगा और यूट्यूब को भी टाइम दूंगा प्रॉपर। लेकिन वही कि प्लान इजहार करते हैं लेकिन नहीं हो पाता एज़ यूजुअल। तो अपडेट ये है कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और उसके मीटिंग्स, उसके सेशंस, उसकी क्लासेस जो भी होंगी सारी तकरीबन कोई मई तक चलेंगी। तो ये था। और दूसरा ये कि अभी प्रॉपर जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि लंदन में लाइक फॉरेन में अरे यार मैंने फिर लंदन बोल दिया, चलें ठीक है। हाँ तो ये कि यूरोप में या फिर अगर आप फॉरेन में जाते हैं, पाकिस्तान में इतना सेल को नहीं देखा जाता, लाइक किसी भी प्रोडक्ट पे सेल लगी हो या फिर वो इस इतना कुछ हो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लाइक फॉरेन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे दो सबसे बड़ी सेल्स लगती हैं, एक क्रिसमस की लगती है और एक जो है वो ईस्टर की लगती है। तो जब मैं आया था तो ईस्टर की सेल लग चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने वेट किया क्रिसमस की सेल का। तो क्रिसमस की सेल जब लगी तो ये शर्ट जो है वो भी उसी सेल से ली हुई है। लेकिन जब मैंने क्रिसमस पे लाइक जो सेल लगी थी उसमें से मैंने जो भी शॉपिंग कर ली वो कर ली, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक और बहुत बड़ी सेल लगती है। तो मुझे जो है वो अंदाज़ा नहीं था उस बात का और सीरियसली मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। लेकिन मैंने जब वो सेल देखी, मैं नाम बताता हूँ उसका, लेकिन मैंने जब वो सेल देखी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने देखा कि क्रिसमस की सेल से भी ज़्यादा क्राउड था और बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवर जो है वो रश थी। मतलब इतना कुछ होता है उसमें, डिस्काउंटेड प्राइस इतने होते हैं कि उसमें आपको ये सारी चीज़ें लाइक कम प्राइस में मिलती हैं, बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। तो जिस सेल की मैं बात कर रहा हूँ वो सेल है बॉक्सिंग डे। अब बॉक्सिंग डे का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो एक दूसरे को पंच मारेंगे और ये वो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास, लेकिन उसका नाम है। अब इस सेल का इम्पैक्ट ये होता है कि मतलब ये सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा होता है। तो उनका जो भी ब्रांड्स होते हैं उनका ये होता है कि जो भी स्टॉक है हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि न्यू ईयर के साथ फिर नया स्टॉक आता है, तो वो ये करते हैं कि उस स्टॉक को निकालते हैं तो उसमें फिर वो डिस्काउंट देते हैं, उसमें फिर वो कुछ प्राइस जो है वो कम कर देते हैं उसकी, ताकि जो भी लाइक लेना चाहे तो उससे वो चीप प्राइस में मिले। तो मैंने कुछ चीज़ें ली थी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन पहले जो है वो ये देखें आप पूरी चीज़ें जो है वो, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पर गया था तो उसमें आप प्राइस टैग्स भी देखेंगे और जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी और रश भी आप देख रहे हैं, इतना सारा क्राउडेड था।
अब ये सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट फील्ड का मतलब जो है वो माहौल था, और पूरे लंदन में दो वेस्ट फील्ड हैं जिसमें ईच एंड एवरी लाइक ब्रांड अवेलेबल है, और उसमें बहुत सारी लाइक ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो भी उसी टाइम पे डिस्काउंट देते हैं। लेकिन उस सेल के दौरान पता नहीं ज़ारा ने जो कांड किया था, अब वो आपको पता होगा कि ज़ारा ने क्या कांड किया था। तो अब वो कह रहे थे कि हमारा वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन जो भी था, लेकिन उन्होंने यही किया। और उसके बाद फिर ज़ारा का जो है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा क्राउड था, रश था, तो ज़ारा को वो ओपन नहीं करने दे रहे थे बिकॉज़ प्रमोशन जो किया है आपने वो एक सही नहीं किया, तो इसी के लिए फिर वो उन्होंने उसे बंद रखा, और उसको ज़ारा के अलावा बाकी सारे जो भी ब्रांड्स थे वो सब खुले हुए थे, और सबकी डिस्काउंटेड प्राइस थे, सबकी चीप प्राइस अवेलेबल थे। और मैंने क्योंकि मैंने क्रिसमस की शॉपिंग कर ली थी, तो फिर एक गिल्ट हुआ कि मैंने वो शॉपिंग क्यों की, कुछ दिन में सब्र कर लेता, लेकिन हम देसी बंदे, हमें लगा कि क्रिसमस के अलावा कोई सेल लगती नहीं है, अब दूसरी लगेगी ईस्टर में जो अप्रैल में होता है, अब मुझे लगा कि हमारे हाथ से सेल निकल जाएगी, तो मैंने कुछ ले लिया और क्रिसमस के वक्त, और उसके बाद फौरन ही बॉक्सिंग डे की जो सेल लगी तो उसमें मेरे पास कुछ था नहीं लाइक कि मैंने फिर भी मतलब एक जो है दिल को मुतमईन करने के लिए कि हाँ भाई मैंने सेल से मतलब कुछ लिया है, तो मैंने ये शूज़ लिए थे। अभी इसकी पहन के हालत कर दिया, तो ये थे एडिडास के शूज़ जो मैंने लिए थे बॉक्सिंग डे पे, और एक शर्ट ली थी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो मैंने ये शर्ट ली थी, तो ये जो है वो भी देख लें, इसकी प्राइस अभी 16 pounds है, तो पहले की प्राइस पता नहीं कितनी है, उस पर स्टीकर लगा हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है 16 pounds है, तो हो सकता है 30 or 35 pounds की हो, लेकिन अभी जो है वो सेल में 16 pounds की मुझे मिली थी। और एक ये है ट्राउज़र लिए थे मैंने, जो कि अभी पहन के मैंने इसका बफाल कर दिया, तो ये था। शूज़ भी थे जो दिखा दिए मैंने आपको, तो इतने कुछ पैसे थे नहीं, तो बस जो भी था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस यही मैंने लिया था। और अभी मैं जो है वो प्लान के साथ चलूँगा, और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कब लेनी है और किस वक्त लेनी है, तो अगर कभी कुछ मतलब इन केस अगर किसी सिचुएशन में या कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज़ मैं वेट करूँगा इसी सेल का, बिकॉज़ ये सेल जो है वो इसने मेरा दिमाग घुमा दिया था, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये सेल दोबारा लगे और मैं इस सेल में जाके लूँ। तो दिस फॉर टुडे, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हाफिज़।